सिर्फ आंख बंद करके ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय थोड़ा ठहराव लाइए ज़िंदगी में और अपने दिमाग का यूज़ कीजिए कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी देखो या मत देखो, एक किसी उंगली में चोट लगी है तो क्या आप पूरा हाथ काट देंगे, नहीं। जो गलत चीज़ है उसको सुधार करेंगे ना। स्टार एक्टर या दो चार बड़े स्टार का ही बॉलीवुड नहीं है। मैं कह चाहूँगा अगर आपका कोई पैशन है ना, हालांकि पैशन के ऊपर वीडियो जल्दी आने वाली है। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम मूवीज़ के रिव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे कि मूवीज़ कैसी थी, स्टोरी कैसी थी, एक्टिंग किसने कैसी करी। बस एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट क्या होता है, एक एप्रिसिएशन का भूखा होता है। अगर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, तो उसके जैसे ही और जो टैलेंटेड पर्सन होंगे, जो ऐसे क्रिएटिविटी सोच रहे होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को मार देते हैं और ऐसी चीज़ें ऐसा रिस्क लेने की भी नहीं सोचते फिर, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गाइस। क्योंकि इस मूवी में, ब्रह्मास्त्र मूवी में, अयान मुखर्जी ने भी जो बताया कि 10 साल लगे हैं उनको। पहले उन्होंने रिसर्च करी है, काफ़ी बुक्स पढ़ी है, एनालिसिस किया है, दैन उसके बाद CGI VFX या इतना बजट एलोकेशन हुआ है, दैन उसके बाद आपको इमेजिनेशन को अपनी वो बड़े पर्दे पर शो कर पाए हैं। और मैंने देखा है कि काफ़ी बखूबी उन्होंने शो किया है। बढ़िया, कुछ कुछ कमी थी, बट फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ऐसी मूवी बनाई है गाइस। अभी तक आपने नहीं देखी होगी इस टाइप की मूवीज बॉलीवुड में। तो पहला कदम है एंड रियली आई अप्रिशिएट दैट पर्सन। उनके जैसे जो आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको ज़रूर कुछ मिलेगा एक। तो मैं क्या बात क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको अप्रिशिएशन घर से भी ना मिले, ना आपके मम्मी पापा पेरेंट्स कोई सपोर्ट ना करे, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या पुश मिलेगा यार, क्या फ़ायदा करने हैं, कुछ तो मिलते हैं। फिल्म मेकर क्या, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी पर्सन या हम आप, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो एक मोटिव नहीं मिलता कि नई वीडियो बनाने का भी। बट जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो रियली में अच्छा लगता है कि यस, मुझे अगली वीडियो पर और ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे पाऊँ। तो एक अप्रिशिएशन होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, स्टडी हो, एंटरटेनमेंट हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी पर्सन हो। देखो अगर बायकॉट की बात है तो बायकॉट, देखो अगर आपके एक किसी उंगली में चोट लगी है तो क्या आप पूरा हाथ काट देंगे, नहीं। जो गलत चीज़ है उसको सुधार करेंगे ना। ये तो नहीं कि आप किसी से थोड़ी सी लड़ाई होगी आप पूरा रिश्ते ख़त्म कर देंगे, मम्मी पापा से लड़ाई होगी तो पूरा रिश्ता ख़त्म कर देंगे। गाइस बहुत कुछ होता है, बॉलीवुड सिर्फ दो चार एक्टर या दो चार बड़े स्टार का ही बॉलीवुड नहीं है। न जाने हम जैसे कितने स्ट्रगल आर्टिस्ट हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत कर देते हैं एक रोल के लिए। आप में से भी कुछ व्यूअर सिंगर होंगे या कुछ होंगे, डांसर होंगे, कुछ भी होंगे। देखो मैं कह चाहूँगा अगर आपका कोई पैशन है ना, हालांकि पैशन के ऊपर वीडियो जल्दी आने वाली है एक, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को ताकि वो वीडियो मिस ना हो और काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है कि सिर्फ आंख बंद करके ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय थोड़ा ठहराव लाइए ज़िंदगी में और अपने दिमाग का यूज़ कीजिए कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी देखो या मत देखो, मैं सिर्फ एक आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपको आंख बंद करके ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, आप अपनी बुद्धि क्या कर ली। देखो अगर देखो अब बुद्धि की बात आई, अब जैसे बात थी कोई अगर कोई टेररिस्ट है या आतंकवादी है, अपनी बुद्धि सोचेगा तो उसको जो कर रहा है सही लगेगा, पर पहले सही क्या और गलत क्या उसको जानिए। जाने कहाँ से, आप कोई अपना गुरु लीजिए, बुक्स पढ़िए या कोई भी ऐसे टीचर होंगे उनके हेल्प लीजिए, क्योंकि जो सही और गलत को डिफरेंस बता सके, राइट। क्योंकि पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, देन उस पाथ पर चलिए, क्योंकि जैसे ही आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी ना तो आप उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। देखो अगर सही नॉलेज नहीं मिलेगी तो कोई बैड हैबिट का एडिक्ट हो जाएगा, और अगर सही नॉलेज मिल गई तो ऐसे हैबिट का कभी आदि ही नहीं होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो, मुझे ही पता है बहुत कम लोग देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। बाय बाय, जय हिंद।